अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज आपको दैनिक जागरण पेपर में जो दिया गया था, हाई स्कूलों में 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली, हम पटना से वीडियो बना रहे हैं। चलिए, पटना के पेपर में दिया हुआ था, चलिए हम इसमें क्या है प्रक्रिया, कैसे बनाया जाएगा और क्या क्या योग्यता मांगी जाएगी पूरा हम पढ़ते हैं। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी, नए सिरे से जिलों से मांगेगा रिक्ति का पद, हाई स्कूलों में 20,000 शिक्षकों की होगी बहाली। चलिए कैसे कैसी बहाली होगी वो पूरा डिटेल पढ़ते हैं। हाई स्कूल प्लस टू स्कूलों में 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, समान काम समान वेतन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिक्षा विभाग नए सिरे से जिलों से जल्द उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की रिक्ति मांगेगा। सभी जिलों से रिक्ति आने पर यह संख्या 20,000 से अधिक हो सकती है, यानी लगभग अनुमान लगाया जा गया है कि 20,000 की लगभग बहाली होगा, यानी 20,000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। गणित विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत व हिंदी सहित विभिन्न विषयों के शिक्षकों की जिला से रिक्ति आने के बाद पदवर्ग समिति को भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि नियोजन इकाई की जगह केंद्रीयकृत तरीके से बहाली हो सकती है। 2017 में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीकृत तरीके से बहाली की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही थी। विद्यालय शिक्षक चयन आयोग के माध्यम से भी नई बहाली हो सकती है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिस प्रकार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जा रहा है, उसी प्रकार विद्यालय शिक्षक का चयन आयोग गठन की बात हो रही है। गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बीटेक डिग्रीधारी इंजीनियरिंग को भी शिक्षक बनने पर विचार किया जाएगा, बीटेक के साथ एमएमसी उसके बाद दिया हुआ है। हाई स्कूलों में शिक्षकों की है कमी, राज्य में 6,000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने और हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है। इन स्कूलों में मध्य विद्यालय के बीएससी और इससे अधिक डिग्रीधारी योग्य शिक्षकों की पढ़ाई व्यवस्था की गई है, लेकिन इनकी भी संख्या काफ़ी कम है। 2017 में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने TET टेट ली थी, लेकिन हाई स्कूल और प्लस टू में STET नहीं ली गई। माना जा रहा है कि नई बहाली के तहत बीए डिग्रीधारियों को केंद्रीकृत तरीके से परीक्षा लेकर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। पांचवें चरण से जल्द हाई स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन, 2017 में हाई स्कूलों में शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले में फैसले आने के बाद पांचवें चरण के हाई स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन रोक दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद पांचवें चरण के तहत जिला परिषद नगर निकाय नियोजन निकाय के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद का नियोजन के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर नियोजन होगा। शिक्षा विभाग जल्द ही नियोजन कार्यक्रम जारी करेगा। मधेपुरा सुपौल सहित लगभग 12 जिलों में पांचवें चरण के नियोजन को बाधित कर दिया गया था। इस तरह से आप लोगों को एक गिफ्ट है कि हाई स्कूलों में 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। चलिए, और भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।